बाकी स्पीड बोर्ड थी लेकिन जिस तरह मैं चाहता था उस तरह नहीं। गाइस ये था पावर बोर्ड का सफर जिसे स्पीड बोर्ड बोलते हैं और मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा सफर रहा है। और बस थोड़ा सा उसने मतलब नहीं किया इतना स्पीड या इतनी थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए थी और मज़ा, लेकिन खैर मज़ा आया बहुत। और ये 5 pound का एक राइड था जो कि 6 मिनट का था, नॉट बैड, अच्छा था और बहुत दूर तक हम गए और मज़ा आ गया काफ़ी। चले अभी चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ जो कि है पायरेट शिप, तो उसमें भी आपको दिखाते हैं वो कैसे। इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही उम्दा रहा है। नेक्स्ट का भी देखते हैं पायरेट शिप का एक्सपीरियंस जो हमारा फर्स्ट टाइम गया है वो कैसे जाता है। लाइफ में फर्स्ट टाइम ही सफ़र किया है, मज़ा आया बहुत। तो गाइस अभी हम पायरेट शिप पे आ चुके हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता बंदों से फुल होगी तो स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाली बोट तो वो थी जिसमें हमने सफ़र किया जो स्पीड बोट थी, तो अभी पायरेट शिप है जो कि ये है, काफ़ी बड़ी शिप है, मतलब दरमियानी सी, इतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन हमारे लिए बड़ी है क्योंकि काफ़ी सारे बंदे आ सकते हैं और कुछ अभी तक बंदे नहीं आए, 2-3 आए हैं तो आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी हम स्टॉप पे खड़े हुए हैं, यहाँ से उतरे हैं और यहाँ से आए, तो अभी आगे जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बीच को यहाँ के और भी के कैसा है कैसा नहीं है। तो जुड़े रहें, मज़ा आ रहा है आपको भी, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है आपको देख के आ रहा है और एक्सप्लोर करके। तो नेक्स्ट टाइम आप भी आएँ तो इंशाल्लाह फुल इन्जॉय करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। अगर मज़ा ना आया तो पैसे वापस हैं। हाँ देखिए अभी स्टार्ट हो चुकी है, बंदे तो इतने नहीं हैं लेकिन फिर भी इन्हें अप्रूव कर दिया चलाना बोट को। और ये नज़ारा है, ओ मज़ा आ रहा है आपको, इन्जॉय कर रहे होंगे, अच्छा है, करना भी चाहिए। तो मैं भी खुद मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अच्छा कंटेंट बना सकूँ। तो इसका लो टाइड है, ये 3 बजे स्टार्ट होता है और 3:480 तक होता है। ये देखिए लो टाइड, फर्स्ट है 27 जून, ये सब डेली बेसिस का होता है देखिए। और यहाँ पे म्यूजियम भी है देख ले सकता, ये पूरा मैप है बीच का और ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है, तो ऐसे इजी हो जाता है आप। और लैंड ट्रेन भी है समर में और दस्पा और यॉट क्लब एवरीथिंग है। लॉट टाइट जो भी पानी का मतलब कम होता है तब का, और साथ में म्यूजियम भी था और मैप भी था, तो ये बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं जब आप आते हैं और आपको पता नहीं होता है, बिगनर्स होते हैं नए होते हैं तो ये अच्छा है, साइंस होते हैं तो आप इजी हो जाते हैं घूमने के लिए। लो टाइड अच्छा होता है कि बीच विजिबल होता है, और हाई टाइड अच्छा इसलिए नहीं होता कि आप कुछ भी देख नहीं सकते हैं क्योंकि पानी बहुत अप होता है, तो अच्छा है लो टाइड ही होना चाहिए ताकि आप आराम सुकून से व्यू देख सकें, इन्जॉय कर सकें और साथ में इसको भी देख सके। ये भी बैठा हुआ है। अच्छा सीगल की एक बड़ी बात बताऊं, पता है क्या करते हैं लोग, खाना खा रहे हो तो उनके हाथ से खींच के ना तो उड़ जाते हैं, मतलब खाने भी नहीं दे रहे गरीब बंदे को, हाथ से भी खींच के जा रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं। तो खैर ये देखिए बहुत ज़्यादा है, एक भी नहीं है, बंदा किस किस को खिलाए किस किस को नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात है सबको खिलाने वाली। ये देखें ये सब देखने मिट्टी है नीचे और इसके ऊपर खड़ी हुई है, ये एक मिनट दिखाता हूँ, देखें ये मिट्टी है जिसके ऊपर बोट्स खड़ी हुई हैं, यहाँ से इजीली बंदा लेके जा सकता है समुंदर में।
और वो देखे वो पानी भी जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ से जाता जाता वो उधर से जुड़ जाता है पानी में, तो इजीली बोट भी यहाँ से जा सकते हैं पानी में, प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले तो हाथ से खिला रहा था, कोई आ नहीं रहा था घर पे, मैंने कहा कि चलो खेल के ही खिला। ओके जी गाइस, अभी हमने बीच वगैरह घूम ली है, तो अभी हम जा रहे हैं क्लिफ पॉइंट पे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी हमने मतलब आइसक्रीम वगैरह खाई है, अभी हम ब्रिडलिंगटन की गलियों को चीरते हुए क्लिफ की तरफ जा रहे हैं, तो एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ और पहुंच के आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं इंशाल्लाह, बहुत ही कमाल के हैं। चलें मुलाहिज़ा फरमाइए। फाइनली क्लिफ पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो चीज़ जो घर मैंने देखा है तो आज तक मैंने फिल्मों में ही देखा है, एक्वामैन में भी देखा और कई फिल्मों में भी देखा है, और आप सोच रहे होंगे वो कौन सा है, तो वो ये है जी लाइट हाउस, ये देख सकते हैं आप, लाइट हाउस है और बहुत ही प्यारा है। और अभी जैकेट मैंने इसलिए पहनी है कि और हवा नहीं बर्दाश्त होती, अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा हो चुकी है क्योंकि हम सी के बिल्कुल पास हैं, आसपास सभी समुंदर हैं, और ये मतलब मेन पॉइंट जो है ना यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ जमीन वगैरह कुछ नहीं, बस पानी पानी है। लेकिन चले जी लाइट हाउस माशाल्लाह कितना प्यारा है, ये अंदर से और भी खूबसूरत होगा, पता नहीं अंदर जाने का रास्ता है कि नहीं, तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं अंदर और वो देखें सारा सी, टोटल पानी ही पानी, आपको नहाना है, देखना है, जो करना है कर लें, वो देख लें जी। देखें गाइस माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है और हवा बहुत ही प्यारी चल रही है, और ये क्लाउड हो एक अभी मतलब हमने देखे हैं तो ये इतने प्यारे क्लाउड और इतनी प्यारी हवा और इतना प्यारा वेदर, बहुत ही कमाल के, और ये हमें फिल्मों में देखने को मिलता है, तो आज हम रियल में देख लें, एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखें ना माशाल्लाह, आपको देख के ही मतलब मन में लड्डू फूट रहे होंगे। ये देख लें हम इधर हैं अभी, यू आर हियर, तो अभी हमने हाई स्ट्रेक्स पे जाना है, इससे आगे तो अभी और कुछ नहीं है, कॉर्नर ही है, चले चलते हैं जी। हम इस जगह पहुंच चुके हैं, ये लास्ट पॉइंट है इसका क्लिफ जी गाइस, मज़ा आ रहा होगा आज आपको, हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और अभी जैकेट पहनी है मैंने कहा कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं बीमारी ना हो जाए, और माशाल्लाह ये देखें ना व्यू, टोटल्स पानी पानी है, समंदर है आगे, ये देखें
तो आज यूके में ये जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या बताऊँ, इंसान को एक एहसास हो जाता है कि ये सोचे अल्लाह ताला ने दुनिया में भी इतनी 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 खूबसूरत जगह बनाई है, इतनी प्यारी जगह बनाई है, तो आखिरत में जो जन्नत होगी वो कैसी होगी, वो बहुत ही कमाल की होगी। हम पहुंच गए क्लिफ्टन जो आपको अभी दिखाया था, और ये यूके का एंड है, मतलब कि जो जबसे ज़मीन है ना उसका बिल्कुल एंड है। इसके बाद आपको आगे समुंदर ही समुंदर मिलेगा, पानी मिलेगा। और आज हमने एक बात तो मतलब पक्की कर दी है कि यूके का कोना कोना हमने छान मारा है और घूम ली है, कभी एक कोना और कभी दूसरा कोना। और माशाल्लाह भी ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देखे नीचे इस तरह मूवी में आता है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉल्फिन वगैरह भी हमने कैप्चर किए हैं कैमरा में, और फिशेस फिश वगैरह भी, और भी बहुत कुछ था जिसमें परिंदे भी शामिल हैं, और बहुत ही मज़ा आया है जिसमें पफिन भी शामिल हैं, और भी बहुत कुछ था जिनके मुझे नाम ही नहीं आते, जो ऑनेस्टली जो सही बात बताऊँ तो। और ये देखें ना, जहाँ पे भी नज़र दौड़ा रहे हैं आप और मैं भी देख लूँ तो पानी पानी आपको नज़र आएगा। और माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा भी है, साथ लाइट हाउस भी है, वो देख लें आप लाइट हाउस। मैं बयान नहीं कर सकता इतनी प्यारी जगह है। तो अभी हम और कुछ जगह जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, और कुछ अच्छी जगह जो मतलब के प्यारी हों तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और ये जो क्लिप्स हैं आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये जगह घूमने लायक है। और वाकई यार, आप यूके में आए हो या किसी भी कंट्री में गए हो तो जाहिर बात है काम तो करना ही करना, लेकिन विजिट भी हो तो अच्छी बात है ना, उस जगह को एक्सप्लोर करो। जिस तरह मैं पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान को हर जगह एक्सप्लोर करता था, हर जगह घूमता था, उसी तरह दुबई गया दुबई घूमता था, वहाँ इसी तरह हर कंट्री में भी जाओ, ठीक है काम होनी जगह, लेकिन उस जगह को एक्सप्लोर करो कैसी है कैसी नहीं है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, साथ साथ अल्लाह का हुक्म है और साथ साथ ड्रीम भी पूरा हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वर्ल्ड कप भी पूरा हो जाएगा जिंदगी रही तो। चले गाइज, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और इंशाल्लाह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।